कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट जी. इनफाइनाइट इज व्हाटसोएवर मिस्टर वर्मा हैज राइटली टोल्ड दैट इज हॉरिजॉन्टल एट. दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट. दो शून्य जुड़ते हुए साथ में दिखाई देते हैं. ये कॉन्सेप्ट है जिसको कि दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट. अनंत से तो सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन दोज हु आर नॉट नोन विद दिस इनफाइनाइट लेटर जी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इट इज जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल ए मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू जीरो साइड बाई साइड. कीप इट विथ यू. अब एक शून्य है और दूसरा शून्य है, ये दोनों शून्यों को इनफाइनाइट से थोड़ी देर के लिए हम हटा लेते हैं. तो इनफाइनाइट को जब सेंट्रली ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, दोनों और दो शून्य बचते हैं. बीच के कनेक्शन थोड़ी देर के लिए हम काट देते हैं. अब रही बात एक शून्य की, पहले एक शून्य की बात करते हैं, लेफ्ट साइड वाले शून्य. लेफ्ट साइड के शून्य में क्या है कि अगर हम पूरी अपनी जन्म को लें, इस अर्थ पर जितने भी जीव हैं, प्लांट हों, एनिमल हों, ह्यूमन बीइंग हों, व्हाटसोएवर, जैसे जलचर हैं, थलचर हैं, नवचर हैं, इन सबको अगर मिला लिया जाए, पेड़ पौधे अस्थाई चीज़ों के साथ साथ चलने वाली चीज़ों को भी मिला लिया, तो सबका जो जन्म होता है दैट इज दे आर ऑलमोस्ट शून्य. ऑलमोस्ट शून्य कहने का मतलब इट इज सिंपली वन सेल. व्हेन दैट सेल इज कंबाइनिंग विद द अदर सेल, जिसको हम माँ और बाप का सेल करते हैं, तब एक जीव का जन्म होता है. और प्रोसेस सबका एक ही है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो आपको एनिमल हो या प्लांट्स हो. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, देयर इज ओनली वन डिफरेंस इन बिटवीन. अगर देखा जाए तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग में एक ही लाइन है. क्या है, मनुष्य जो है कल्पना शक्ति का भी मालिक है और मनुष्य के पास मेमोरी है जो कि एनिमल के पास नहीं है, है लेकिन बहुत कम. मनुष्य अपनी मेमोरी से कुछ भी ला करके उजल सकता है, इस जन्म का नहीं, अगर पूर्व जन्म का भी हो तो वो भी रिकॉल किया जा सकता है, लेकिन एनिमल के पास वो नहीं सकती. और कल्पना बहुत ज्यादा है, तो कल्पना शक्ति होने से जितना भी निर्माण करता है आने वाले दिनों में मनुष्य, वो सिर्फ कल्पना से ही करता है. खैर इसको अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए यहाँ पर. तो मनुष्य हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, व्हाट्स एवर थिंग्स आर देयर, दे आर ओरिजिनली वन सेल कंटेनिंग वन सेल कंबाइनिंग विद द अदर सेल. ये दो बनते हैं, दो से चार होते हैं, चार से आठ होते हैं, आठ से सोलह होते हैं, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसठ, चौंसठ से 128, 256 एंड सो ऑन. ये बढ़ते चले जाते हैं. और एक शिशु का, चाहे वो एनिमल का हो या मनुष्य का हो या प्लांट का हो, एक शिशु का अंकुरण होता है, एक जीव आता है. अब ये जीव अगर वाकई में बैक में रिवर्स किया जाए तो एक शून्य ही था, एक सेल था जी, लेकिन अब आया जीव मल्टीप्लिकेशन से. अब ये इस धरती पर, इसी धरती का मिट्टी पानी आकाश सब लेकर के एक स्थूल शरीर में बदलता है. अपना इसके पास कोई कुछ नहीं है. हम आज अगर इतना बड़े पौने छः फीट के आदमी हो करके और 70 किलो वजन मेरा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से गैदर हुआ, ये दिखाई जो दे रहा है ये क्या है, ये यहीं से इकट्ठा किया हुआ, इसी पृथ्वी का उस पर से इकट्ठा किया हुआ चीज़ हमारे शरीर में दिखाई दे रहा है, ये परिलक्षित जो हो रहा है, ये एक ढेरी है, भोजन की ढेरी एंड नथिंग एल्स.
भोजन की ढेरी है जो कि इतना बड़ा रूप ले लिया। अगर सपोज ये बिस्कुट होता तो ये जब तक मेरे से दूर है तब तक तो ये बिस्किट है, जैसे ही मैं इसको खा लिया तो ये बिस्कुट क्या हो गया, हम हो गए। बिल्कुल सही बात, इसका तुरंत रूपांतरण हो गया, हम हो गए, मैं जो भी हूं ये बिस्कुट उसी रूप में आ गया। तो ये क्या है, हमारा शरीर जो है एक ढेरी है और ढेरी के अलावा कुछ नहीं है। अब रही बात मस्तिष्क की, कल्पना शक्ति और मेमोरी, ये क्या है, ये है बहुत से लोगों का किया गया सिग्नेचर, उनके सुनी हुई विचारों का स्टोर। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला और धीरे धीरे ये संचय होते हुए ये हमारे दिमाग का सृजन किया और एक स्टोर है एंड नथिंग एल्स। चाहे हम जितनी भी इतरा लें बुद्धि पर, अपनी ज्ञान पर, ये ज्ञान हमारी नहीं है, पहला बात ये याद रखना है, ये सेकेंड हैंड ही बुद्धि है, किसी न किसी से प्राप्त हुई है। अगर मैं कहूं कि किताब से लिया तो किताब में लिखने वाला तो कोई और था, बिल्कुल, लिखने वाला भी तो कोई और से सुना होगा, बिल्कुल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा हम लोग हीप ऑफ नॉलेज बना रहे हैं, ज्ञान का एक ढेरी इकट्ठा किया। तो ये दो ढेरी है, हमारा शरीर क्या हुआ, दो ढेरी है, एक भोजन की ढेरी है और दूसरा सो मेनी सिग्नेचर्स की। अब ये जो अंत होता है, इसकी शरीर की जो एनर्जी निकलती है तो फिर ये ढेरी जहां से आई थी वहीं चली जाती है। पांच तत्वों से कहा गया है शरीर बना है, पांचों तत्व इसी धरती में विलीन हो जाते हैं, मिट्टी मिट्टी को मिल जाता है, शरीर के अंदर जो आकाश है स्पेस है वो स्पेस में चला जाता है, जल तत्व जो है वो जल में भाप बन करके चले जाते हैं। तो हमारे पास फिर कुछ रहता नहीं है, तो फिर चले कहां से, शून्य से चले, कहां से, शून्य से पहुंचे, कहां, शून्य में, शून्य तक। तो हमारी यात्रा कहां से कहां तक हो रही है, शून्य से शून्य तक, शून्य से शून्य तक, और इसी शून्य से शून्य तक की यात्रा को हम जीवन कहते हैं, जो समय के बदलते क्रम से ये ढेरियां इकट्ठी होती चली जाती हैं, भोजन की ढेरी और नॉलेज की ढेरी, इन्हीं दो पटरी के बीच में बदलते समय के अनुसार हम कहीं चले जाते हैं, लेकिन चलते हैं शून्य से और पहुंचते हैं शून्य पर। अब होता क्या है इसके बीच में, ये जो यात्रा शुरू हो रही है हमारी शून्य से शून्य तक, इसमें पैरलक्स एरर आता है, जब हम दूर से देखते हैं तो दोनों शून्य हमको पास पास दिखाई देने लगता है, हमारा ओरिजिन और हमारा एंड। तो हम इंडिविजुअल एंड को नहीं देखते हैं, हम इंडिविजुअल ओरिजिन को भी नहीं देखते हैं, हमको क्या दिखाई देता है, दोनों शून्य आपस में सटे हुए। तो जैसे ही सटे हुए दिखाई देते हैं तो हमको क्या नजर आता है, अब हम शून्य की कल्पना यहां नहीं करते हैं, यहां हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया। मैं दूर से जब अपनी जीवन पर नजर डालता हूं, क्योंकि शुरुआत के समय में तो ज्ञान ही नहीं था, कोई बताया ही नहीं था जो मेरे अंदर रहता, तो उस शून्य को वहां का हम भूल गए, मरने वाला दूसरों को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि शून्य में जा रहा है, लेकिन हम अपना शून्य नहीं देख पा रहे, दूर से जब देखते हैं तो दोनों शून्य हमको पास पास दिखाई देने लगता है। तो मैथमेटिकली ये दोनों शून्य जब हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं तो क्या होते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, क्या हो जाता है सर, इनफाइनाइट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट एट ऑल, थैंक यू। तो परिकल्पना में लेकर के चल देता है, जैसे ही ये इनफाइनाइट हमको दिखाई देने लगता है तो हमारी जो अपेक्षाएं अनंत हो जाती है, हमारी लालसा अनंत हो जाती है, हमारा ईगो
अनंत हो जाता है, हमारी चाहत अनंत हो जाती है, हमारी उपेक्षा अगर कोई कर दिया तो वो भी अनंत हो जाती है। अब मेरे साथ केवल अनंत का खेल शुरू हो जाता है और मैं केवल अनंत में ही उलझ करके रह जाता हूं। अब लाख देख रहा हूं कि लोग मर रहे हैं, जीरो में मिल रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को अनंत समझ बैठता हूं और ये मान के चलता हूं कि मैं तो मेरा तो अंत होगा ही नहीं। और इसीलिए बड़ा शान के साथ चिल्लाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसलिए चिल्लाते हैं कि हम अनंत की परिकल्पना में घूम रहे हैं, हम जीवन की परिकल्पना में कहीं है ही नहीं है, हम जीरो की जीरो को भूल चुके हैं। और इस अनंत की परिकल्पना के चलते ही हमारी सारी दुख और पैदा है। इसी अनंत के परिकल्पना को तोड़ करके निकलने वाला सच्चाई को समझ पाता है और तब बुद्धत्व को प्राप्त करता है। महावीर भी यही किए थे, छोड़ना है। हम इकट्ठा करने की टेंडेंसी से पैदा हुए हैं, हमारा शरीर ही है इकट्ठा करके बना हुआ, हमारी बुद्धि ये इकट्ठा करके बना हुआ है। अब बाद में आकर के कोई गोपाल साहब जैसे आदि कह रहा है कि हम छोड़ें कैसे, भाई आपका निर्माण ही हो रहा है इकट्ठा करने से, आप हर चीज बटोर रहे हैं, बटोर रहे हैं, बटोर रहे हैं। इसके विपरीत जाना बहुत मुश्किल होता है और जिसने विपरीत दिशा में ट्रेवल किया वही बुद्धत्व को प्राप्त करता है, वही महान मिलता है, वही इतिहास पुरुष बनता है। धन्यवाद।